हाय गाइस, सो आज हम करेंगे ब्लॉक टू विच इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस। सो इसका यूनिट वन है नेचर गोल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, बेसिकली ग्रुप गाइडेंस के बारे में उसमें बात करी गई है पूरे ब्लॉक में। सो ग्रुप गाइडेंस इज इन द क्लासरूम इज यूज टू एड्रेस डेवलपमेंटल नीड्स एंड टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव प्रोग्राम। ठीक है, सो बेसिकली गाइडेंस में आप एक बच्चे को गाइड कर रहे होते हो, ग्रुप गाइडेंस में आप सभी बच्चों को, ग्रुप ऑफ जो बच्चे होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हो। ठीक है, इसका एम क्या होता है, इट इज यूज एज अ मीन्स ऑफ शेयरिंग इन्फो, करियर रिलेटेड इन्फो या स्टडी रिलेटेड स्किल्स या डेवलपमेंटल स्किल्स, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली ग्रुप गाइडेंस अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो सभी चीजें बच्चों के लिए कॉमन है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कॉमर्स और नॉन मैथ के बच्चों को एक साथ बैठा के आप उनको बोलोगे कि अपनी टैली शीट को टैली करो, यही होती है ना, शायद शीट होती है तुम्हारी, कोई शीट होती है उसको टैली करना होता है, तो नॉन मैथ का बच्चा बोलेगा है क्या 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 करना है, और या फिर आप उनको बिठा के बोलोगे कि चलो संस्कृत पढ़ते हैं, तब भी वो है ही बोलेंगे। ठीक है, सो आपको ये मेक श्योर करना है कि उनका जो आप एक सब टॉपिक पढ़ा रहे हो, मतलब जो डिस्कस करने वाले हो, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इफ यू आर गिविंग दम करियर इन्फो जिसमें सेट स्किल और ये सब स्किल्स वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो ऑफकोर्स आप वहां पे ग्रुप बना सकते हो क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आप उनको ये बता सकते हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, पीयर हेल्प, पीयर की हेल्प कैसे ले सकते हो, पीयर ट्यूटरिंग मतलब के साथ में आप कैसे अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हो, ताकि जो आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आप शेयर कर पाओ या फिर आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, पीयर लर्निंग कर पाओ, और नॉलेज कैसे डेवलप करोगे, सोशल स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स आप कैसे शेयर करनी है, कैसे उनसे डील करना है, जो प्रेशर उससे कैसे डील करना है, गोल को आप कैसे सेट करना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर करोगे। ठीक है, सो ग्रुप गाइडेंस का एम यही होता है। नाउ टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले क्वेश्चन एंड मेथड। क्वेश्चन एंड मेथड ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है, ओपन एंडेड में कुछ भी पूछ सकते हो, कहीं से भी आप आंसर कैसे भी दे सकते हो। अगला क्लोज एंडेड में हाना 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 हाना, मतलब बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछते हो कि तुम्हें ये पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ये पसंद है बस। ठीक है, और ओपन एंडेड में क्यों कहाँ कब कैसे आ जाता है। ठीक है, फिर है सेकंड मेथड टेक्निक जिसमें आप ग्रुप गाइडेंस में यूज कर सकते हो, दैट इज ऑब्जर्वेशन। थर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज यू कैन टेल द पर्सन टू राइट उसके बारे में जो भी, मतलब थोड़ा बहुत अपना कि अपने बारे में एक ब्रीफ दो, मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है, और उसके बाद आप उसको असेस कर सकते हो। फोर्थ इज सोशियोमेट्री, इट वॉज गिवन बाय जैकोब एल मोरेनो। सो सोशियोमेट्री में क्या होता है कि आप एक सर्कल में बच्चों को बैठा सकते हो, या फिर नॉर्मली जैसे बच्चा बैठा हुआ है, तो सोशियोमेट्री में होता है कि किसकी बच्चों की आपस में किसकी किससे कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे के साथ में तीन बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा अकेला बैठा है, एक 10 बच्चों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। सो सोशियोमेट्री में यही ऑब्जर्व होता है कि सोशल जो आपस में बच्चे बैठ रखे हैं, गैदरिंग है, उसमें कौन कितना किसके साथ में जलप हो रहा है और कौन कितना आइसोलेशन में है। ठीक है, फिफ्थ इज मेकिंग एनेक्डोट्स। सो एनेक्डोट्स में आप क्या बनाओगे, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होगी, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्ट होगी, और अगर कुछ भी आप बच्चे का बिहेवियर है जिसको आप स्ट्रेंज बिहेवियर है जिसको ऑब्जर्व करोगे, तो उसके बारे में आप उसमें लिखोगे। ठीक है, देन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल्स में आप चार तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या पांच तरीके से, रेगुलरली, मोस्टली, ओकेजनली, नेवर या समटाइम, जो कि एक बिहेवियर बच्चा इसमें टिक करेगा, या तो ये कर सकते हो, या फिर यस नो, और या फिर मोस्ट ऑफन, या फिर ऑफन, मतलब ये सारे आप उसमें ऑप्शंस दे सकते हो। ठीक है, सेवंथ इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के थ्रू बच्चों का जो ये जो जिस टॉपिक पे आपको गाइडेंस दे रहे हो उससे रिलेटेड आप जब क्वेश्चन है बच्चों के डालोगे, तो उसमें आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो उनके, जिसमें आप बच्चों का हेल्प रिपोर्ट चेक कर सकते हो, होम डाटा चेक कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेस्ट रिकॉर्ड्स रख सकते हो, अचीवमेंट इन स्कूल, सब टेस्ट रिजल्ट्स और इंटरेस्ट उनके चेक कर सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप बच्चों को गाइड कर पाओ। ठीक है, यूजिंग इंटरव्यू, आप बच्चों को गाइड करने के लिए उनके इंटरव्यूज ले सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड इज जिसमें आपने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इज जिसमें आप बच्चे के एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकालते हो, एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इज मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, नाइन्थ इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आप बच्चों के स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले सकते हो कि आपको उनको कहाँ पे गाइड करना है, सो उसके लिए आप उनको टेस्ट लोगे कि बच्चा कहाँ पे गाइडेंस लैक कर रहा है, कहाँ पे उसे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, योर यूनिट वन इज ओवर। यूनिट टू इज ग्रुप डायनेमिक्स, टाइप ऑफ ग्रुप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, सो ग्रुप, अभी हमने ग्रुप गाइडेंस पढ़ा, अब हम ग्रुप डायनामिक्स पढ़ते हैं कि एक ग्रुप के अंदर में क्या क्या चल रहा होता है। ठीक है,
द फोर्सेज ऑपरेटिंग इन ग्रुप्स दैट अफेक्ट द वे मेंबर्स रिलेट टू एंड वर्क विद वन अनदर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ओपन सिस्टम. ठीक है, सो ग्रुप डायनेमिक्स इज बेसिकली, जैसे 10 बच्चों का ग्रुप है तो उसके अंदर में सभी के आपस में सब ग्रुप्स भी होते हैं. ठीक है, क्योंकि 10 के अंदर में कुछ कुछ के आपस में दूसरे से और अच्छी बनती है. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बिचौलिया है या फिर कोई एक की किसी से भी नहीं बन रही है. ठीक है, सो ये सब ग्रुप डायनेमिक्स होती है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स. सो एक ग्रुप के अंदर में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले टास्क, अगर इंटरेस्टिंग है तो अच्छा है, बच्चे आपस में साथ में काम करेंगे. बट अगर कुछ को इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ को नहीं लग रहा तब भी प्रॉब्लम होती है. एटमोसफेयर, जो आप ग्रुप जहाँ पे काम करो उधर एटमोसफेयर कैसा है, अच्छा है, अप्रिशिएटिव है, नहीं है. साइकोलॉजिकल सेटिंग, उन लोगों की आपस में कैसा है कि मतलब आपस में दूसरे से चिड़ तो नहीं रहे हैं जो आपने ग्रुप सेट करा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी ग्रुप बना हो वो आपस में दोस्त ही हो. पर्सनल प्री ऑक्यूपेशन, हर एक के अपने अपने काम वाम तो नहीं है कि वो कर रहे हैं अरे यार मैं अपने अकेले ठीक हूँ. मतलब कुछ लोगों को अकेले काम करना पसंद है, और अगर और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि बहती गंगा में वो हाथ धो लेते हैं अगर वो ग्रुप में आ गए ना तो कुछ नहीं करते हैं काम और बाकियों को करना पड़ता है. डिस्ट्रैक्शन, ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप में जो काम कर रही है उसमें आसपास में कोई डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ग्रुप के अंदर ही इतना ज्यादा डिबेट डिस्कशन हो रहा है कि वो आपस में ही डिस्ट्रैक्ट होकर काम नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, फिर है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. सो 5 स्टेज में ग्रुप बनता है. सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज होती है जिसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स देखते हो कि आपस में आप ग्रुप जैसे बनाना होता है तो आप ये देख रहे होते हो कि किस ग्रुप में बैठ के मुझे सेफ्टी मिलेगी, किस ग्रुप में मुझे प्रोटेक्टेड फील होगा, और जब मैं उस ग्रुप में आ रहा हूँ तो अगले के रिस्पॉन्सेज क्या है. ठीक है, कि एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है मेरे को लेके. देन स्टॉर्मिंग स्टेज, इट इज फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स या सब ग्रुप्स. ठीक है, फिर एक ग्रुप के अंदर भी जब सब ग्रुप्स बन जाते हैं दैट इज योर स्टॉर्मिंग स्टेज. थर्ड इज नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्मिंग इज टास्क परफॉर्मेंस एंड एफर्ट, जब आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो. और फोर्थ इज परफॉर्मिंग स्टेज जिसमें आप कलेक्टिव वर्क दिखाते हो, एफर्ट्स दिखाते हो, गोल्स दिखाते हो सो एज टू अचीव द टास्क. ठीक है, कंप्लीट कर रहे होते जब आप टास्क. और लास्ट इज जब आप सेपरेट कर रहे होते दैट इज एडजॉइनिंग स्टेज. ठीक है, सो ये आप अलग अलग घूम रहे थे. सेकेंड में आपने एक ग्रुप बनाया और उसमें आप कुछ कुछ आपस में सब ग्रुप भी बन गए. फिर थर्ड में आपने एक तरफ होकर परफॉर्म करा. फिर फोर्थ में आपने पूरा का पूरा आपका एज अ टीम आउटपुट दिया. और फिफ्थ में आप इधर उधर होने लग गए. ठीक है, रीजन फॉर ग्रुप फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है. ग्रुप सिनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन. ग्रुप फॉर्मेशन इसलिए बनता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि एक से भले दो जो हेड है, क्योंकि वो एक एक ही पर्सपेक्टिव सोच पाएगा पर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव पे भी सोच सकते हैं जिससे टीम का ही भला होगा. सपोर्ट एंड कमिटमेंट, अगर आपका फॉर्मेशन ग्रुप का अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस हाई जाता है और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बेटर आउटपुट देते हैं. इंटरपर्सनल नीड्स, कुछ कुछ लोगों के आपस में अगर नीड्स होती हैं और वो कंबाइन हो जाती हैं तो वो ज्यादा बेटर आउटपुट यील्ड कर सकते हैं. और सिक्योरिटी आपको हमेशा होती है क्योंकि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो प्रॉफिट भी डबल होगा और अगर लॉस होगा तो वो लॉस डिवाइड हो जाता है. ठीक है, देन ग्रुप कोहेसिवनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्मॉलर ग्रुप्स, क्योंकि बड़े ग्रुप्स मोस्टली मैनेज करने मुश्किल होते हैं इसलिए स्मॉलर ग्रुप्स आर मच बेटर. एग्रीमेंट, ग्रुप गोल्स, अगर आपका एग्रीमेंट अच्छा जा रहा है तो आप बेटर आउटपुट या रिजल्ट निकाल सकते हो. टाइम, अगर आपके पास में ज्यादा है तो आप कोहेसिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम में मोस्टली लड़ाई होती है बट आप उसको रिजोल्व कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. ग्रुप का स्टेटस, आपका अगर अच्छा है तो आपका जो आपस में मतलब आपका रिलेशन एक दूसरे के साथ में अच्छा है तो आपका ग्रुप कोहेसिवनेस नेचुरली अच्छा होगा. गिविंग रिवॉर्ड्स, अगर आप आपस में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आप लोगों को, ऑफकोर्स जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी सबको मोटिवेट करता है. ठीक है, एंड स्टिमुलेटिंग कॉम्पिटिशन विद अदर ग्रुप्स, ये तो बेस्ट है. अगले के साथ में लड़ाई भड़वा दो और उसके बाद में बस फिर तो ऑफकोर्स अच्छा करेंगे सारे के सारे. योर यूनिट 2 इज ऑल्सो ओवर. यूनिट 3 इज ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज इन स्कूल. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस क्या होगा. इट सेव्स टाइम, इट प्रोवाइड्स कलेक्टिव एफर्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, फैमिलियराइज़ेस स्टूडेंट्स विद ग्रुप लाइफ, हेल्प्स इन मल्टीप्लाइंग कॉन्टैक्ट्स, रिमूव्स आर्टिफिशियलिटी इन बिहेवियर. ठीक है, ग्रुप गाइडेंस का ये इंपॉर्टेंस है कि ये टाइम बचाएगा आपका, आपको हेल्प करेगा एफर्ट कलेक्टिव एफर्ट डालने में टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आपको फैमिलियराइज कराएगा जो स्टूडेंट्स का ग्रुप लाइफ है वो कैसा है और बच्चा कैसे उसमें मैनेज कर रहा है. मल्टीप्लाइंग कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेट आप बेटर करोगे और एक दूसरे के साथ में जिसके साथ में आप दोस्ती नहीं कर रहे थे, अगर कोई बच्चा आइसोलेशन में था और उसके बाद में उसको कह रहे हैं कि ग्रुप में आकर परफॉर्म करो तो मे बी उसके लिए चांस होगा कि आप वो दोस्त बेटर बना सके और जो भी आर्टिफिशियल बिहेवियर है उसको हटाने की कोशिश करी जा सकती है. ठीक है, ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज
क्या क्या हो सकती हैं, ओरिएंटेशन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों का ओरिएंटेशन पहले तो ले सकते हो आप उनको हेल्प करने के लिए और गाइडेंस ग्रुप गाइडेंस के थ्रू, और करियर कॉन्फ्रेंसेज रख सकते हो, ग्रुप टॉक्स रख सकते हो, करियर टॉक्स रख सकते हो, रोल प्लेस बना सकते हैं, एजुकेशनल टूर्स पे लेके जा सकते हैं और क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज विच वी कैन डू विद द स्टूडेंट्स। एंड इसी के साथ ही ब्लॉक टू समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लॉक थ्री पे, तब तक के लिए धन्यवाद।